हेलो, वेलकम टू द सिनेमा माइंड। अवरोध नाम की एक नई वेब सीरीज आई है सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। 31 जुलाई से स्ट्रीम हो रही है। और जिस सब्जेक्ट पर ये वेब सीरीज बनाई गई है, इसकी जो स्टोरी है उससे मेल खाती एक फिल्म ऑलरेडी आ चुकी है, उरी नाम की। दोनों में वैसे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, वो फिल्म के हिसाब से बहुत बेहतर है और उस फिल्म के लिए विकी कौशल को नेशनल अवार्ड तक मिल चुका है। लेकिन अगर कंपैरिजन करने का अगर ऐसा आता ही है, मौका आता ही है, तो मैं इस वेब सीरीज को ज़्यादा वजन दूंगा, क्योंकि 9 एपिसोड्स हैं, एक एपिसोड 30 मिनट का है और बहुत डिटेलिंग में चीज़ें दिखाई हैं जो शायद फिल्म में ना कवर की सकी हो। लेकिन क्या है कि उस डायरेक्टर ने अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से उस फिल्म को दिखाया है, उसमें इमोशनल कंटेंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ इमोशनल भी है और बहुत डिटेल्स ऐसे हैं जो शायद हम जैसे आम लोगों को मालूम नहीं होते, बहुत सारे मायने निकल कर आते हैं। तो रिव्यू के लिए मैं इतना ही बताऊंगा कि ग्रिपिंग, थ्रिलिंग और पैट्रियोटिज्म से भरपूर, मतलब राष्ट्रवाद से भरपूर ये वेब सीरीज है। एक दो टेक्निकल फ्लॉज हो सकते हैं, उसके अलावा ये ज़बरदस्त है। कुछ सीन्स देख के मतलब छाती चौड़ी हो गई मेरी, और डायलॉग सुन के तो कुछ डायलॉग के लिए तो देखने के बाद तो सीटियाँ मारने का मन कर रहा था। इतना बेहतरीन तरीके से इस पूरी वेब सीरीज को शूट किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है। एक्टर्स भी मतलब ज़बरदस्त एक्टर्स लिए गए हैं, विक्रम गोखले, अमित सद, नीरज काबी, मधुरिमा तुली, अनिल जॉर्ज और बहुत सारे। और जिन जिन के मैंने नाम लिए वो उन्होंने मतलब जो कैरेक्टर उनको दिए गए हैं वो बहुत बखूबी से और ऑथेंटिक प्ले किए हैं। तो टेक्निकल या फिर एक्टिंग में मुझे बोलना ही नहीं है, मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि पूरी वेब सीरीज़ में बहुत सारे मायने निकल कर आते हैं, बहुत सारे सबटेक्स्ट हैं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी। स्पेशली मीडिया, उन्होंने मीडिया का और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक एलिमेंट डाला है। स्पेशली मीडिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो आर्मी के ऑपरेशंस होते हैं, अब थोड़ा मैं प्लॉट के बारे में बताता हूँ। हम सबको वो मालूम है कि 2016 में सितंबर के महीने में उरी कैंप पर अटैक हुआ था, उसके बाद 10 दिनों में ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था, इंडियन आर्मी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। 2016 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो आज भी है। तो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन उनके कपड़े पहनने से, बोलचाल के तरीके, बोलने के तरीके से या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर हमें पता चलता है कि ये वो कैरेक्टर है, ये वो कैरेक्टर है। और विक्रम गोखले ने एज ए पीएम रोल किया है, उनका कोई नाम नहीं दिया गया है, बस पीएम, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कौन पीएम है। जिस तरह के उनके बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, भाषण देने का तरीका, सबसे हम रिलेट कर सकते हैं। नाम बदल दिए गए लेकिन ऑथेंटिसिटी जो है इसकी, रियलिटी, उसको जितना ऑथेंटिक बनाया जा सकता है उतना डायरेक्टर ने बनाया है। राज आचार्य नाम के डायरेक्टर ने ये सारी सीरीज शूट की है, 4 स्क्रिप्ट राइटर को लेकर। अब इसके मायनों के बारे में बात करते हैं, सब टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। मीडिया, हमें पता है कि जब जब भी किसी नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड ने में मीडिया घुसी है तब कोई ना कोई तो नुकसान हुआ है। पहला कारगिल, अब ये कारगिल को कवर करने के लिए कौन सी जर्नलिस्ट कारगिल के वॉर में गई थी ये हम सबको पता है। उसके बाद 26/11 हुआ था, 26/11 में मीडिया ने बहुत सारा कवरेज किया, लेकिन ये मीडिया कवरेज हमारे लिए कम था और पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के लिए वो कान और आँख बन गया था। तो जब भी कोई आर्मी रिलेटेड या नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड जब भी चीज़ें आती है और वहाँ जब मीडिया जाता है तो वो नुकसान ही करता है और वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी को, उन्हें ऐसा उसका एहसास होता है या नहीं होता है, आई कांट से, उसके बारे में उन्हें कोई जाना नहीं। उन्हें वो जर्नलिज्म इस पर पूरी तरह से वो कायम है। हम हमारे काम कर रहे हैं, न्यूज़ ब्रेक, दैट्स द वर्ड दे यूज। अब वो उरी का अटैक होता है जब वेब सीरीज में हम देखते हैं, तो जिस तरह से वो न्यूज़ ब्रेक होती है कि इतने लोग मारे गए हैं, उनके नाम दिए जाते हैं पूरा इनसेंसिटिव तरीके से, और सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया इस न्यूज़ को देख रही होती है और हम बहुत ही वीक कंडीशन से अपने आप को बहुत ही वीक
प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, और वो छवि बन चुकी है कि पीस लविंग कंट्री। मतलब कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर अमेरिका का कंसर्न आता है, तो एक उसमें से वो ब्यूरोक्रेट कहता भी है कि आप एक पीस लविंग कंट्री को वैसे ही रखो। मतलब उनके दिमाग में है कि कितने भी अटैक भारत पे करो, भारत जवाब नहीं देगा। इसलिए चीज़ें निकल कर रहती कि नया भारत है, रोकेगा भी और ठोकेगा भी, काइंड ऑफ ये चीज़ें इसलिए तो आई हैं क्योंकि बर्दाश्त के बाहर की हो गई ये बात। ठीक है, ये अलग चीज़ है, हम मीडिया पर फोकस करते हैं जो दिखाया गया है इस पूरी वेब सीरीज में। तो नम्रता जोशी नाम का एक कैरेक्टर है, जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वो करती है पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में या फिर सिक्योरिटी के बारे में, और न्यूज़ भी ब्रेक करती है। तो उसका इंटरेस्ट ये उरी अटैक के बाद बहुत बढ़ जाता है, और जिस तरह से वो कवर करती है चीज़ों को, उसे खुद नहीं पता कि वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल रही है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है ऐसा दिखाया है आर्मी की एक कोवर्ट ऑपरेशन को भी। मतलब पूरी तरह से नहीं, वो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन अब बिना सोचे, बिना उसका क्या कंसिक्वेंसेस होगा ये सोच बिना सोचे जब न्यूज़ ब्रेक करते हो, तो उसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है, उसके काम को भुगतना पड़ता है। तो वो दिखाने की कोशिश की है, और ये जो कैरेक्टर है नम्रता जोशी, इसमें दो हम चीज़ें देख सकते हैं जो मैंने ऑब्जर्व की। एक तो वो अपने जर्नलिज्म को लेकर पैशनेट है, ठीक है, ये समझ सकते हैं, उसका जॉब है वो। और दूसरा, जब सीरीज शुरू होती है तो वो एक जैश मोहम्मद के लीडर को मिलने जाती है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए, उसके पट्टी बट्टी बांध कर जाती है, वो पीओके में जाती है, पीओके में इंटरव्यू जब वो लेती है। अनिल जॉर्ज ने ये अबू हाफिज नाम के टेररिस्ट का काम किया है, बेहतरीन काम किया है, कैरेक्टर में उतर चुका है वो। तो वो सुन हो जाती है, मेरे हिसाब से उसको सम्मोहित किया जाता है, वो उसके चेहरे पे हम देख सकते हैं, बहुत ही गजब तरीके से लिखा गया है कैरेक्टर है। और उसके बाद वो जिस तरह से इन सारे न्यूज़ के पीछे पड़ती है, और उसे पता ही नहीं चलता कि उस टेररिस्ट का इंटरव्यू वो न्यूज़ चैनल में लगाती है, और बैठे बैठे उसके लीडर को एक प्लेटफॉर्म दे देती है अपने न्यूज़ चैनल के थ्रू। अब पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया उसका इंटरव्यू सुन रही है, और उस इंटरव्यू में बस वो इंटिमिडेट करता है, फ्री में मिल गई उसको प्रमोशन। तो उसकी वजह से भी पॉलिटिकल हलचल हो जाती है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू आते हैं, तो वो भी दिखा है कि किस तरह से थ्रेट होता है सारी चीज़ों को। और उसके बाद वो ऐसे ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करती है न्यूज़ को ढूंढने के लिए, जिनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में हम कह नहीं सकते। कश्मीर में एक आदमी को वो एम्प्लॉय करती कि तुम जो भी न्यूज़ दोगे मैं उसके बारे में सोचूंगी नहीं, बस तुम्हें मुझे ये न्यूज़ देनी है और मैं लगाऊंगी। तो इस तरीके से, इसके काम करने के तरीके से बहुत एक दो बार तो नुकसान हो ही जाता है। वो दिखाया कि जैसे मैंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले या आर्मी के मामले में जब जब मीडिया वाले इंटरफेयर करते हैं तो उसका नुकसान भुगतना पड़ता है, देश को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आर्मी के सारे ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत ही गुप्त होते हैं, बहुत सारे लोगों से वो छुपाए जाते हैं। अगर इसमें मीडिया वाले अगर नोकझोंक करते हैं, इसमें अगर कुछ इंटरवेंशन करते हैं, तो वो पूरे देश के लिए खतरा हो सकता है। तो वो एक दिखाने की कोशिश की, लेकिन उस सारी सिचुएशन को, उस नम्रता जोशी को भी हैंडल किया जाता है, उसको डाइवर्ट किया जाता है, वो किस तरीके से करते वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जहाँ एक गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ डील कर सकता है, तो यहाँ के जर्नलिस्ट के साथ डील करना उनके लिए उतनी बड़ी बात नहीं है। वो किस तरह से डील करते वो भी उन्होंने दिखाया, जो बहुत इम्प्रेसिव तरीके से दिखाया। बाकी जितनी ऑथेंटिसिटी उस पूरी वेब सीरीज को देनी चाहिए वो दी है। और एक बात है कि अगर पॉलिटिकल विल पावर हो, वो हाईलाइट करती है, पॉलिटिकल विल पावर हो तो इंडियन आर्मी क्या कर सकती है, ये हमें देखने को मिलता है। इतने सालों से हमने देखा है कि अटैक होते रहते हैं और हम सिर्फ कंडेम करते हैं, लेकिन इस बार फर्म होकर जब ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर आता है कि उसका ऑब्जेक्ट क्लियर है, अगर वो विल पावर दिखाता है तो इंडियन आर्मी क्या चमत्कार कर सकती है। इसका एक एग्जांपल, मतलब हमने रियल में भी देखा है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और इस पूरी वेब सीरीज में वो हाईलाइट करने की कोशिश की है। और मिलिट्री के जो प्लान्स होते हैं वो
एंड मौके पे बदल भी सकते हैं। जैसा उन्होंने प्लान किया था वो छोड़कर उन्हें कभी कभार कुछ अलग रास्ता भी अपनाना पड़ता है, ये भी उन्होंने हाईलाइट किया है। मैं इतना ही कहूँगा, बहुत सारे मायने निकल कर आते हैं जब हम ये पूरी वेब सीरीज देखते हैं। ज़बरदस्त और क्रिपिंग ये पूरी वेब सीरीज बनी है, मेरे हिसाब से तो ये मस्ट वॉच है। कुछ चीज़ें हम लोगों को मालूम नहीं होती है, तो डायरेक्टर ने वो हमें दिखाने की कोशिश की है कि एक हमला होता है उसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, देश के लोगों पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, ये न्यूज़ चैनल वाले उसमें से कैसे TRP का फ़ायदा उठाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक लोगों पर इसका कैसे इम्पैक्ट होता है, मिलिट्री इस चीज़ को कैसे देखती है, अलग अलग एंगल से इस सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। तो उसके लिए ये 9 एपिसोड्स जो हैं वो जस्टिफाई करते हैं, और 9 एपिसोड्स हैं, 30 मिनट का एक एपिसोड है, लेकिन बोर बिल्कुल भी नहीं होता, धीमी गति बिल्कुल भी नहीं है, एक बेहतरीन वेब सीरीज है। एक दो टेक्निकल फ्लॉज अगर हम उसको छोड़ देते हैं, अदरवाइज दिस इज अ मस्ट वॉच वेब सीरीज। सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है। चलिए यहीं पे रुकता हूँ, अगले वीडियो में नई फिल्म नई वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।